अफ्रीका, एक विशाल महाद्वीप जहां एक से एक अनोखे जीव रहते हैं। मगर ये दुनिया का एक ऐसा इलाका भी है जहां जीवों की जितनी विविधता है उतनी कहीं और नहीं। ये है अल्बर्टीन ड्रिफ्ट। प्रोफेसर लॉरेन चैपमैन ने दलदल में रहने वाले जीवों के एक और समूह का अध्ययन किया है। मोमायरिन मछलियां एक काफी बड़ी प्रजाति की सदस्य हैं, और उनके जैसी मछली अफ्रीका के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। काफी लंबे समय तक ये मछलियां विज्ञान के लिए रहस्य बनी रहीं। ये पता ही नहीं लग रहा था कि वो इतनी स्याह और गंदे पानी वाली दलदल में रास्ता कैसे ढूंढती हैं और एक दूसरे का पता कैसे लगाती हैं। वैज्ञानिकों को हाल में इस सवाल का जवाब मिला। जीने के लिए मछलियों ने एक बेजोड़ तरीका ढूंढ निकाला है। ये शिकार और आपस में बातचीत करने के लिए बिजली की तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। इनकी पूंछ के निचले हिस्से में मौजूद एक खास अंग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है जो मछली को घेर लेती है। जब कोई और जीव उस फील्ड में आता है तब उसका आकार बदल जाता है। तब मोरमायरिड अपने पूरे शरीर पर मौजूद सेंसिटिव इलेक्ट्रोरिसेप्टर की मदद से उन बदलावों को महसूस कर लेती है। ये इतना कमाल का होता है कि ये उससे ये जान लेती है कि सामने शिकारी है, शिकार है या उसकी ही प्रजाति की कोई और मछली है। पानी के अंदर लगे माइक्रोफोन से मोरमायरिड की रहस्यमय दुनिया की जानकारी मिली। ये देखने में भले ही शांत लगती हैं, लेकिन बिजली की तरंगों की जंग लगातार छिड़ी रहती है। हर प्रजाति का अपना एक खास इलेक्ट्रिक सिग्नेचर होता है जिसके सहारे वो अपने इलाके की हिफाजत करती है, अपने रुतबे का ऐलान करती है और अपने होने वाले साथी को आकर्षित भी करती है। इसी असाधारण म्यूटेशन की वजह से ही मोरमायरिड मछलियां रिफ्ट की इन खतरनाक दलदलों में भी आसानी से रह रही हैं।